प्रांतीय जन चेतना यात्रा जिनके संयोजन में चल रही है, जिनके नेतृत्व में चल रही है, मंच के ऊपर बैठे हमारे पूज्य स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस आवाज को जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर बुलंद किया, उसकी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सम्मान्य बहन पूनम आर्य जी, सभी यहाँ पर बैठे हुए सन्यासी महानुभाव और इस विद्यालय के हमारे डायरेक्टर और यज्ञ के जो आज मुख्य यजमान रहे हैं, सम्मान्य श्री मलिक साहब, उपस्थित हुए आर्य भद्र कोशो नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता और बहनों, देखिए आज केवल हमारे लिए नहीं, यदि मैं यूं कह दूं कि सारे विश्व के लिए बहुत शुभ दिन है। आज ही के दिन टंकारा गांव में एक ब्राह्मण कुल में एक मां की कोख से वो बच्चा जन्म लेने वाला पिता कृष्ण जी तिवारी और माता अमृत बहन के घर में जो खुशी आज आई थी, वो खुशी उस परिवार के अंदर तो आई ही थी, लेकिन बहनों भाइयों माताओं सज्जनों, वो खुशी ये नहीं पता था लोगों को कि सारे संसार को एक दिन वेदों का ज्ञान दे करके जाएगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज हालांकि एक बात कहते हैं कि यदि मैं ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषियों के काल में पैदा हो जाता तो उस समय शायद मुझे वो स्थान मिलता कि मैं ऋषियों की पत्तल उठाने का कार्य करता या उनकी खड़ाऊ संभालने का कार्य करता। ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता रही है। लेकिन मैं आप लोगों के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि धरती के ऊपर पैदा हुए वो ज्यादातर ऋषियों की संतान थे या उनके गुरु आचार्य जो है वो ऋषि रहे। पर बहनों और भाइयों सुनने की बात है, महर्षि स्वामी दयानंद जिनके माता भी जो है ना शिव की पुजारी है और जिनके पिता भी जो है ना शिव के पुजारी है, घर में पाखंड चलता है, ना माँ ऋषि का है ना पिता ऋषि है, और जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की गुरु विचानंद जी वो संस्कृत के सूर्य थे, ब्रह्म ऋषि थे, बाद में उनको समझा दी गई, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज माता पिता भी ऋषि ना होते हुए केवल ऋषि नहीं कहलाए बल्कि उनको महर्षि की उपाधि दी गई। इसलिए ऐसे महान पुरुष का जन्मदिन मनाते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। सारी दुनिया का कल्याण करके वो चला गया, तो आइए केवल एक भजन और मैं आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ। एक दिन कहीं हम प्रचार कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा जी क्या कर दिया दयानंद ने। हमने कहा श्रीमान जी पहली बात तो ये है कि तुम रूखा दयानंद मत कहो, है किसी महापुरुष का जन्म लेते हैं तो कोई विशेषण लगाते हैं, उनका नाम लेते हैं तो भाई कृष्ण जी का नाम लेते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राम का जन्म लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं तो बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, और तू तो सुखा दयानंद कह रहा। भले आदमी ऋषि दयानंद कह दे, ब्रह्मचारी दयानंद कह दे, वेदों वाला दयानंद कह दे, गो भगत दयानंद कह दे, राष्ट्र भगत दयानंद कह दे, नारी उद्धारक दयानंद कह दे, दलित उद्धारक दयानंद कह दे, राष्ट्र भगत दयानंद कह दे, मैंने कहा कोई तो उपाधि लगा। इतना सुनने के बाद भी उसने कहा क्या कर दिया स्वामी दयानंद ने। मैं बोला श्रीमान जी बताओ क्या कर दिया। स्वामी दयानंद जी ने एक तो यू सूरज बनवा दिया। ऐसा जब सुना तो उसका मुंह खुल जा रह गया। बोले स्वामी दयानंद ने सूरज बनवा। मैंने कहा बोले भगवान ने दुनिया बनाई तब नहीं बनाया था। मैंने कहा बनाया था। बोले वो कहा चला गया था। मैंने कहा उसने तो ये हनुमान जी खा गया था। अच्छा मंदिर में आरती चलती है ना, हनुमान जी सूर्य को तोड़ के मुंह में दे गया। मैंने कहा उसको तो हनुमान खा गया था, दूसरा बता किसने बनाया। बोला जी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा भले आदमी इतनी बड़ी चीज को हनुमान मुंह में कैसे दे गया, पाखंडियों ने गप्पी ली। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा पागलो इस
सूर्यों को नहीं खाया ऋषि दयानंद जी महाराज ने, तो धरती से 13.5 लाख गुणा बड़ा है। उसने तो अपनी शरीर रूपी ताकत, जो सबसे मजबूत धातु होती है, जो सूर्य की तरह प्रकाश देने वाली और चमक देने वाली होती है, उस ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति को हजम किया। उसने उसे खंडित नहीं होने दिया, उस सूर्य को हजम किया, ना कि इस सूर्य को हजम किया है। इसलिए कहना चाहता हूं महर्षि स्वामी जान जी महाराज के जन्मदिन पर वो कर गए देश का बेड़ा पार। सब बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, सब याद करें उस मनीषी को, उस ऋषि को। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकार वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकार वाले, टंकार वाले स्वामी, टंकार वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, संकारे वादे स्वामी। आपको अगर कैसे कर गए वो सारे संसार का कल्याण, यो कर गए सुनो। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। आया जीत टूट गए हार, टंकारे वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे। कर गए देश का बेड़ा पार। बच्चे भी बोलेंगे, बेटा ध्यान से सुनेंगे, आप जैसे हम बोले वैसा ही आपको हमारे पीछे बोलना है। जो राम कृष्ण के प्यारे हमसे थे दूर बिचारे, जो राम कृष्ण के प्यारे हमसे थे दूर बिचारे, करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारे वाले स्वामी। करके शुद्धि लिए सुधार, टंकारे वाले स्वामी। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले ताला।
कृष्णाला पाले दलितों के परिवार संस्कार वाले स्वामी पाले दलितों के परिवार संस्कार वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा को बहका करके लूट रहे थे। हलचल मच गई उनके अंदर, खलबली मच गई ऋषि के आने से। क्या हो गया? वेदों की बीन बजाई, पोपों की आंख फटियाई, वेदों की बीन बजाई, पोप मैंने जो झूठ करके पाखंड फैला करके दुनिया को लूटते उसका नाम पोप है। वेदों की बीन बजाई, पोपों की आंख प्याई, आई फिर नर देव बहार, I'm sorry.